नमस्कार, मैं जहांगीर आलम, आप देख रहे हैं गोल्ड फिल्म मिरर, हर पल आपके साथ। दादा, जैसे कि मालूम है जिला में अभी कई लोग तृणमूल छोड़ करके भाजपा का दामन थाम रहे हैं, तो इस विषय में आप क्या कहेंगे? देखिए, इस विषय में हम ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। लीडर लोग जा रहा, लेकिन जो वोटर है तृणमूल कांग्रेस का, जो वोटर है वो वोटर दीदी का साथ ही रहेगा। तो कोई लीडर जा रहा है इसका मतलब माने ज़्यादा हम लोगों का टेंशन नहीं है। अच्छा, अचानक ऐसा क्या हुआ जो इन लोगों को पार्टी छोड़ करके बीजेपी का दामन थामा? शायद और बड़ा कुछ ऑफर मिला होगा, और बड़ा कुछ पोस्ट और कुछ हो सकता है। और एजेंसी का तो एक तो बात आ ही रहा है, बार बार एजेंसी का एक तो बात आ रहा है, भी हो सकता है। कुलटी में जो मनमुटाव था, जैसे कि आप लोगों के जो संगठन में जो मनमुटाव चल रहा था, तो और अचानक से भाजपा का दामन थाम लिया गया, यहाँ के जितने भी नेतागण थे आप लोगों के पार्टी के, तो इससे कोई इफेक्ट पड़ने वाला है? बिल्कुल ही नहीं पड़ेगा। ये कुलटी है, यहाँ पर उज्ज्वल चटर्जी का नेतृत्व में बार बार यहाँ का पब्लिक माने विधायक पद से भी उज्ज्वल चटर्जी को विन किया है इस सीट, कुलटी का सीट से। और कुलटी से अगर कोई भाजपा में ज्वाइन कर रहा, वो अपना मर्जी से ज्वाइन कर रहा है। इससे पहले भी वो कोई दूसरा पार्टी करता था, फिर टीएमसी से बीजेपी, वो हो सकता है, लेकिन यहाँ कोई असर नहीं पड़ेगा। संगठन में पहले भी देखा गया कि जैसे बहुत दिन से चर्चा में था कि हमारे डिप्टी मेयर जो तबस्सुम महाराज जी हैं और विधायक उज्ज्वल चटर्जी के बीच कुछ अनबन चल रहा था। साथ ही अभी जैसे कि हम लोगों को मालूम है, डिप्टी मेयर और हमारे विधायक जो हैं उज्ज्वल चटर्जी जी, दोनों में अनबन चल रहा था। साथ में ये भी देखा गया कि विमान आचार्य जी जो हैं अभी यहाँ के ब्लॉक प्रेसिडेंट बने हैं, वो भी अपना मतलब तृणमूल का सिंबल को लेकर के अलग ढंग से चल रहे थे विधायक के साथ में, नहीं तो ऐसा कुछ? देखिए, ऐसा कुछ बात नहीं है। जो विमान दा हम लोगों का प्रेसिडेंट है, ब्लॉक प्रेसिडेंट है मादर का, उनको एक दायित्व दिया गया है। वो अपना बूथ स्तर से वो अपना मीटिंग कर रहा है। हम लोग यूथ का है, यूथ का भी अलग से मीटिंग हो रहा है। सब अपना अपना काम यहाँ पर देख रहा है। लेकिन एक बात है कि तृणमूल कांग्रेस का संसार अभी बड़ा है, मनमानी हो सकता है, हो भी रहा है। ऐसा बात नहीं कि हम पूरा बिल्कुल साफ है, ये हम नहीं कहेंगे। कुछ कुछ जगह में तो कुछ हम लोगों का भी गलत चीज हो सकता है। वो मनमानी आपस में बैठ के बार बार सुलटाया गया, फिर आगे भी होगा, ऐसा कुछ बात नहीं है जिसमें कोई वोट का कोई असर यहाँ पर नहीं पड़ेगा। अच्छा, तो आप लोगों का यहाँ पे जो वोट प्रतिशत है वो इस बार इस विधानसभा कुलटी में कितना रहेगा? हम लोग आशा करते हैं, देखिए हम लोग लोकसभा का चुनाव में हम लोग 49,000 से पीछे हैं। आसनसोल लोकसभा में हम लोग सेकंड पोजीशन में हारे हुए थे, सेकंड पोजीशन में। इससे पहले भी 5 साल पहले भी यहाँ से बाबुल सुप्रियो जीता था, फिर भी हम लोग यहाँ से 17,000-19,000 का लगभग हम लोग जीते थे। इस बार भी हम लोग दावा के साथ ये कह सकता है उज्ज्वल चड्ढा जी इस बार भी उम्मीद। अच्छा, ऐसा जैसे माना जा रहा है कि इस बार हो सकता है कि उल्टी बीजेपी कैंडिडेट में बप्पा आचार्य जी को मौका दिया जा सकता है, तो यहाँ पे उन्हीं का जो शायद रिश्ते में चाचा लगते हैं, तो वो यहाँ के ब्लॉक सभापति हैं, तो ये किस तरह से आप इसको देखेंगे? देखिए, बीजेपी किसको टिकट देगा वो बीजेपी का अंदर ही का बात है। और फिर भी अगर मान लीजिए कि अभिजीत आचार्य का यहाँ पर कोई टिकट मिलेगा, इससे पहले भी तो अभिजीत आचार्य यहाँ से कॉन्टेस्ट कर चुका, जोट का प्रार्थी था तब, लेकिन तब भी विमान आचार्य जी उज्ज्वल चटर्जी का साथ था, और आज भी उज्ज्वल चटर्जी के साथ विमान आचार्य जी रहेगा। हमारे जो पूर्व विधायक हैं और पूर्व हमारे यहाँ के मेयर थे जितेंद्र तिवारी जी, वो अचानक से इस तरह से पार्टी छोड़ करके गए, इस विषय में आप क्या कहेंगे? ये बड़ा विषय है। देखिए, जितेंद्र तिवारी जिला प्रेसिडेंट रह चुका, मेयर रह चुका, और आपका विधायक पंडवेश्वर था, ये बड़ा मैटर है। इसके बारे में हम कैसे बोल सकते हैं? इसमें बयान देगा तो मलयदा देगा, दासुदा देगा, जो हमारा जिला का बड़ा बड़ा लीडर लोग, इसके बारे में उन लोग बताएगा, हम कैसे बताएंगे? तो जिला में इसका कुछ प्रभाव पड़ेगा? देखिए, हम कुलटी ब्लॉक का बोल सकते हैं, कुलटी विधानसभा में बोल सकते हैं कि कुलटी विधानसभा में इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। आपका परिचय? मैं सुभाषीष मुखर्जी, हम कुलटी ब्लॉक तृणमूल यूथ का प्रेसिडेंट।